पेजिंग क्या था? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग देखे क्या कि अगर मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, अगर हम लोग के पास में सफिशियंट अमाउंट में नहीं है, या फिर हम लोग चाहते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट एक लिमिट में हो, लिमिटेड मेमोरी किसी प्रोसेस, मान लो कोई प्रोसेस है 2 MB का है, ठीक, 2 MB मेगाबाइट है। अब मान लो हम चाह रहे हैं क्या, इस प्रोसेस को रन करने के लिए, P1 प्रोसेस है मान लो, इस प्रोसेस को रन करने के लिए हम एलोकेट करने वाले हैं मान लो 512 KB। हम चाहते हैं इतना ही रैम में मेमोरी एलोकेट करें 512 KB ही, जिसमें मेरा P1 प्रोसेस रन करे। हाँ, इसके चलते टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगा, लेकिन मेमोरी इतना में कंप्लीट कर सकता है। हो सकता है 124 1 MB, इतना KB, तो या फिर 1 MB लिख लो, 1 MB भी रहे तब भी रन कर जाए, लेकिन इससे कम में भी करवा सकते हैं। टाइम का डिफरेंस आएगा थोड़ा, लेकिन टाइम पर अभी हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग मेमोरी पर हैं अभी, ठीक, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बात है मेमोरी का, तो इस प्रोसेस के लिए चाहिए, तो हम लोग क्या किए थे कि ये जो प्रोसेस है कहाँ रिसाइड कर रहा है अभी, ये प्रोसेस कहाँ है, ये प्रोसेस LAS में है। यहाँ क्या है, फिजिकल मेमोरी है, LAS में पेज में डिवाइडेड है, यह है पेजेज पेजेज, और यह है मेन मेमोरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेम, ठीक। पेज का और फ्रेम का साइज सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 MB एक ही फाइल तो नहीं है, हम लोग LAS को पेज बाय पेज में जब डिवाइड किए तो 2 MB के अंदर बहुत सारा पेज आ गया। अब एक पेज को जो भी रिक्वायर्ड होता है पेज, उस पेज को हम लोग रैम में लेकर जाते हैं, और यहाँ से प्रोसेसर यूज करता है, मतलब CPU अपना यहाँ से डेटा फेच किया और जो भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है वो कर रहा है। तो प्रोसेसर को यहाँ ले जाने के लिए बीच में एक हम लोग पेज टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक। पेज टेबल क्या है भाई, पेज टेबल हम लोग को बताएगा पेज, जितना भी पेज यहाँ होगा LAS में, जितना भी मान लो 0 1 ऐसे करते करते मान लो 500 पेज है, 0 1 2 4 499 और 500, अगर 500 पेज है यहाँ पर, तो एक होगा यहाँ पर पेज टेबल होगा, एक टेबल होगा इसमें 0 1 ऐसे ऐसे करके 500 एंट्री होगा। कहाँ पर होगा, पेज टेबल में होगा, पेज टेबल में सब पेज के लिए, और इसे एंट्री के अंदर में क्या रहेगा, इतना तो नंबर ऑफ एंट्रीज है, इसके अंदर में क्या रहेगा, इसके अंदर में कौन सा फ्रेम में है ये फ्रेम नंबर होगा। क्यों, क्योंकि तो ये रैम भी जो मेन मेमोरी है, इसको हम लोग PAS बोल सकते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस, और ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। तो यहां पर क्या है, कौन से फ्रेम में है ए पर्टिकुलर पेज, 0th पेज कौन से फ्रेम में है, इसका फ्रेम नंबर यहाँ इंटर करेंगे, इस फ्रेम का एड्रेस। तो एड्रेस कैसे आएगा, एक फ्रेम है कहाँ पर, PAS में है, मतलब कि फिजिकल एड्रेस के लिए जितना नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होगा, फिजिकल एड्रेस के लिए जितना नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होगा, वो बिट्स को कहाँ स्टोर करेंगे, यहाँ पर, ठीक। जैसे मान लेते हैं जो PAS है, जो मान लो 10 MB का है, मान लेते हैं M का मतलब क्या हुआ, M का मतलब हुआ 2 पावर 20, और ए 10 हो गया, मल्टीपल नहीं है, मान लो यहां पर 8 लेते हैं, 8 MB लेते हैं, तो 8 के लिए क्या करेंगे हम लोग, या फिर मान लो 10 ही था, 10 में भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 10 को रिप्रेजेंट करना है, 10 के लिए कितना बिट चाहिए,
टू पावर 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए, एम को रिप्रेजेंट करने के लिए 20 बिट्स चाहिए था, 10 के लिए कितना चाहिए? तो अगर 3 बिट होगा, 3 बिट से कितना वेरिएशन पॉसिबल हम लोग के लिए है? 8 वेरिएशन पॉसिबल है। 4 बिट लेंगे तो कितना है? 16 है। मतलब कि 3 में 8, 8 और 16 के बीच में आ रहा है, ये मान लो 16 है, 10 है, 10 बिट्स है, मतलब कि हम लोग को 4 बिट ही लेना पड़ेगा। अगर 8 से ज़्यादा वेरिएशन चाहिए हम लोग को 10 चाहिए, तो मान लो 4 बिट यहाँ से लिए, 20+4 टोटल कितना हुआ? 24 बिट्स रिक्वायर्ड है इस फ्रेम को एड्रेस करने के लिए, जो भी फ्रेम यहाँ पर है। तो 24 बिट्स का इंटर होगा यहाँ पर, इसका एंट्री होगा 24 बिट्स, या फिर लिख सकते हैं क्या, 24 है, 4 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, इसका मतलब क्या है? 4 बाइट मतलब 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, तो 4 बाइट ही हो गया, मतलब 4 बाइट इसका एंट्री का साइज है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे पेज टेबल का साइज क्या है। पेज टेबल कितना साइज होगा? पेज टेबल का साइज के लिए जितना नंबर ऑफ एंट्रीज है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितना है? 0 to 500, मतलब टोटल 501 मान लो, 500 तक है तो 501 इंटू हर एक एंट्री का साइज, ये एंट्री का साइज कितना है? 4 बाइट है ना, इंटू 4 बाइट। ए क्या हुआ? ए हुआ पेज टेबल साइज, इस फॉर्मेट में निकालेंगे हम लोग। अब यहां पर क्या है, 501 इंटू 4 बाइट क्योंकि ये, क्योंकि यहां पर हम लिए थे कि नंबर ऑफ पेजेस 500 पेजेस है। ठीक, और पेज टेबल कहां रिसाइड करेगा? पेज टेबल भी रैम में ही रिसाइड करेगा, मतलब पीएएस में ही रिसाइड करेगा। पेज टेबल हमेशा ही फिजिकल मेमोरी में ही होगा, क्यों? क्योंकि पेज टेबल अगर यहां नहीं होगा, सेकेंडरी मेमोरी में अगर स्टोर करते हैं, उसका कॉस्ट ज्यादा लगेगा। तो पेज टेबल यहां मेन मेमोरी में ही लाए, क्योंकि इसको एक्सेस करने का एक्सेसिंग कॉस्ट कम लगे। तो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि मान लो यहां पर 500 था, तो 500 इंटू 4 बाइट, ईच एंट्री 4 बाइट का है, इतना साइज पेज टेबल का साइज हुआ, यहां हमने स्टोर कर लिए रैम में, पीएएस में। लेकिन एज्यूम करो कि यहां पर नंबर ऑफ पेजेज 0, 1, 2 ऐसे ऐसे करके 2 पावर 46 होता। नंबर ऑफ पेजेस कितना है? नंबर ऑफ पेजेस 0 to 2 पावर 46 है। 2 पावर 46 बहुत बड़ा नंबर है। कितना बड़ा हुआ? 2 पावर 6 मतलब 64, 2 पावर 40 मतलब 13। तो मतलब नहीं समझ रहे हो बात। एमबी मतलब 2 पावर 20, के मतलब 2 पावर 10, उसके बाद जी मतलब 2 पावर 30 और टी मतलब 2 पावर 40। 2 पावर 40 को अलग किए, 2 पावर 6 को अलग किए, 2 पावर 5 का मतलब 32, 6, 64। तो ए क्या है? 2 पावर 46 है। अब हम लोग जब पेज टेबल क्रिएट करेंगे, तो यहां पर जो हम लोग 0 to 500 लिए थे, यहां पर नंबर ऑफ एंट्री कितना होगा? तो जितना नंबर ऑफ पेजेस होगा, नंबर ऑफ पेजेस कितना? 2 पावर 46 है, तब यहां एंट्री कितना होगा? 0 to 2 पावर 46। 2 पावर 46 माइनस 1 कर लो, 0 से स्टार्ट किए हैं इसलिए। अब इसका पेज टेबल का साइज क्या होगा? यहां पर लिखेंगे, मान लो ऊपर लिखते हैं पेज टेबल का साइज, नंबर ऑफ एंट्रीज 2 पावर 46 इंटू ए जो साइज है, एक एंट्री का साइज है, सिंगल एंट्री साइज, मतलब पेज टेबल एंट्री साइज इसको बोलेंगे, मतलब पेज टेबल का एंट्री का साइज कितना है, वो कितना है? 4 बाइट है, तो इंटू 4 बाइट। इसका मतलब क्या हुआ? 4 को लिखेंगे 2 पावर 2 मतलब 2 पावर 48 बाइट, 2 पावर 48 बाइट है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 2 पावर 8 का मतलब क्या हुआ? 256 टीबी, 256 टीबी का स्पेस केवल और केवल पेज टेबल को स्टोर करने के लिए कंज्यूम करेगा। समझ रहे हो बात?
मान लेते हैं आप फ्रेम का साइज नहीं बताया था ना, एक फ्रेम का साइज मान लो हम बताते हैं, फ्रेम साइज इक्वल टू पेज साइज, क्योंकि फ्रेम का जो साइज होगा यहां पर ए साइज और ए साइज, पेज का जो साइज है पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होता है, पहले से पता है। मान लो पेज साइज या फ्रेम साइज इसका साइज है 1 KB है, मान लो टोटल एलएएस का साइज कितना हुआ, नंबर ऑफ पेजेज इनटू पेज का साइज, टोटल एलएएस का पेज बता रहा है, तो एलएएस का साइज कितना हुआ, अब इनटू करेंगे के का वैल्यू कितना है 2 पावर 10, यहां क्या है 2 पावर 46, तो यहां पर 2 पावर 46 है, इनटू 2 पावर 10 करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, टोटल एलएएस का साइज जो होगा कितना हो गया 2 पावर 56, समझ रहे हो 2 पावर 56 क्या होता है, याद करो बचपन में पढ़े थे क्या, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, टेरा पेटा एक्सा, ये क्या था, किलो आया कितना 2 पावर 10, ए आया 20 30 40 50, मतलब क्या हुआ 2 पावर 56 का मतलब 64 टेरा पेटा 64 पेटा बाइट, ये आया एलएएस का साइज है। हाँ, इतना एलएएस हम लोग नहीं ला सकते थे रैम में, इसलिए हम लोग पेज में डिवाइड कर रहे थे इसको उसके बाद में, लेकिन जो हम डिवाइड किए हैं और उसके मैपिंग को पेज और फ्रेम और ए पेज कहाँ कौन सा पेज स्टोर्ड है उसके मैपिंग को स्टोर करने के लिए एक टेबल हमको चाहिए, सियोर शॉर्ट टेबल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कहाँ स्टोर अगर नहीं पता होगा, मान लो कोई आदमी तुम्हारे घर में पेन मार्कर कहाँ रखा है नहीं पता है तुमको, तुम उस मार्कर को ढूंढ नहीं सकते हो, तुम शायद अपने घर को जानते भी हो सब जगह ढूंढोगे और सिस्टम भी वैसे ही ढूंढेगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो पता होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा ढूंढने में अगर सर्चिंग एलो लगेगा, सर्चिंग एलो का सर्च एलो का एक अलग से टाइम लगता है, समझ रहे हो बात, इसलिए पेज टेबल चाहिए ही चाहिए, और पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा हो गया, अब पेज टेबल साइज कितना 2 पावर 46 हुआ था, तो यहाँ पर 2 पावर 46 × 4 byte इतना साइज है, इतना साइज का पेज टेबल हम लोग नहीं स्टोर कर सकते हैं पीएएस में, नहीं करना चाहते हैं ये भी बोल सकते हो, क्योंकि पेज टेबल जो स्टोर करना है हम लोग अपने यूज के लिए कर रहे हैं, प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है पेज टेबल से, प्रोसेस को फर्क इससे पड़ता है कि उसका डेटा प्रोसेस का एलएएस में है, उस डेटा पर प्रोसेसर एग्जीक्यूशन कर रहा है, आउटपुट उसी से आना है, ये हम लोग मशीन को रन करवाने के लिए उसके ईज के लिए पेज टेबल क्रिएट किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पेज टेबल इज जस्ट ओवरहेड ओवर द सिस्टम, ये ओवरहेड है, डिजायरेबल नहीं है, इसको जितना कम कर सकते हैं उतना कम रखना है, क्योंकि इससे कुछ आउटपुट में फर्क नहीं पड़ रहा है, आउटपुट में कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहे हैं उसमें कुछ टाइम बच रहा है, स्पेस का जो भी टाइम स्पेस का कुछ वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आउटपुट में इसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जान लो, और ऐसा कुछ भी चीज सिस्टम में हो रहा है जिससे आउटपुट, मतलब कुछ प्रोसेस कुछ काम कर रहे हैं सिस्टम में जिससे कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपने हेल्प के लिए हम कर रहे हैं और वो सिस्टम पर ओवरहेड है, डिजायरेबल नहीं है सिस्टम के लिए, ठीक। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ये डिजायरेबल नहीं है, हम लोग क्या चाहेंगे, पेज टेबल का साइज भी कम ही रहे, इतना बड़ा साइज ना रहे, नहीं रहने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग एलएएस में पूरे एलएएस में पेज में डिवीजन किए थे, पेज में डिवाइड किए थे, फिर यहाँ फ्रेम में अलग, ये तो पीएस है, पीएस में जितना पीएस है मेन मेमोरी रैम है पूरे को ही डिवाइड कर चुके हैं, ठीक। तो एलएएस को जैसे हम डिवाइड किए थे, सेम आप वैसे ही क्या करेंगे, इतना बड़ा पेज टेबल नहीं ला सकते हैं ना, पेज टेबल का साइज बहुत बड़ा है ना, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको अलग अलग पेज हम लोग बना लेंगे, समझ रहे हो बात, पेज कैसे बनेगा अलग अलग, क्या किए, मान लो
इसको फिर से हम पेज को बनाते हैं थोड़ा बड़ा में। थोड़ा बड़ा कहाँ पर बनाएं? थोड़ा बड़ा यहाँ पर ही बनाते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। एक तो जानो 0 to 2 power 46 जो वैल्यू था यहाँ, 2 power 46 -1 ये वैल्यू यहाँ नंबर ऑफ एंट्रीज है, अभी प्रेजेंटली है। इसको हम लोग पेज में डिवाइड करना चाहते हैं, इस पेज टेबल को थोड़ा और बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, मान लो इसमें ऐसा ऐसा एंट्री है, बहुत सारा ऐसा एंट्री, जल्दी जल्दी करते हैं, क्या समझ रहे हो, तुम लोग को भी जल्दी होगा, जल्दी पढ़ाई करो खत्म करो यार, हमको भी जल्दी रहता है, लेकिन छोड़ तो सकते नहीं है, नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मान लो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारा एंट्री है, कहाँ तक है 2 power 46 -1 जीरो से यहाँ तक ये एंट्री है। तो अब इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या किए, पेज में डिवाइड किए, देखो ब्लू पेन से करते हैं, इसको हम लोग पेज में डिवाइड किए, मान लो ये एक पेज हो गया, जीरोथ पेज हो गया, एक और पेज में किए वन पेज हो गया, एक और पेज में किए ये टू हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे पेज में कर दिए हम लोग। तो क्या देखे, एक पेज का जीरोथ पेज का साइज मान लो हम लोग 1 KB ही रखे हैं, 1 KB ही रखे हैं, और ये 1 KB रखने का एक लॉजिक भी है, भी याद रखना, क्यों, क्योंकि तो पहले LAS का और PAS का साइज हम लोग डिफाइन कर चुके हैं 1 KB, फ्रेम का साइज है और ये पेज का साइज है, पेज का साइज तो LAS में है, E1 KB, और इससे मतलब नहीं भी हो सकता है, लेकिन फ्रेम का साइज भी तो 1 KB है, कि पेज और फ्रेम का साइज इक्वल ही रहना है, फ्रेम का साइज है, और ये पेज टेबल जो है हम लोग का, ये पेज टेबल को स्टोर कहाँ करना था, इस पेज टेबल को PAS में, रैम में, मतलब फ्रेम में ही स्टोर करना है ना, तो इसका पेज का साइज भी फ्रेम का पेज साइज के बराबर रहेगा, तभी ना इजिली स्टोर हो पाएगा, इसलिए इसका साइज भी कितना लेंगे, 1 KB का लेंगे, इसका एक का साइज इतना है, टोटल अगर टोटल देखो यहाँ पर 2 power 46 अगर है एंट्री है into, अच्छा इसका साइज तो डायरेक्टली है ही ना, कितना पेज यहाँ बनेगा वो अगर हम देखना चाहते हैं तो ये साइज कितना है, यह 256 TB, 256 TB में क्या करेंगे, इसका साइज था ना 256 TB, पेज टेबल का ही था ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पेज में डिवाइड किए, तो कितना नंबर ऑफ पेज है ये जानने के लिए 256 TB डिवाइडेड बाई एक पेज का साइज, जैसे LAS में कर रहे थे, LAS का कुछ साइज था, पेज का साइज था, डिवाइड किए नंबर ऑफ एंट्री निकला, ठीक है ना, एग्जैक्टली, तो यहां पर भी वही काम किए, तो 256 TB डिवाइड बाई 1 KB, तो 1 KB कर दिए, तो नंबर ऑफ पेज आया, नंबर ऑफ पेज इन कितना है, यहां पर लिखो नंबर ऑफ पेज इन पेज टेबल, नंबर ऑफ पेज इन पेज टेबल, इस पेज टेबल में कितना नंबर ऑफ पेज होगा, इसका जो वैल्यू होगा, के कट गया तो टी क्या बन गया, TM बन गया, बाइट बाइट कट गया, मतलब 256 MB, इतना नंबर ऑफ पेजेज है, या फिर बोल सकते हो 2 power 20 यहाँ, 2 power 8 यहाँ, 2 power 28 नंबर ऑफ पेजेज है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 power 28 -1, समझ रहे हो, 2 power 28 -1, इतना नंबर ऑफ पेज इन पेज टेबल, ये पेज टेबल है याद रखना, यह है पेज टेबल है, ठीक, तो पेज टेबल में इतना नंबर ऑफ पेज हुआ ना, अब ई भी कहीं पर जाएगा ना स्टोर होने के लिए, ई भी कहीं स्टोर होगा, अब कहाँ स्टोर हुआ है, कौन से फ्रेम, ए पेज है जो कौन से फ्रेम में हुआ है, ये भी पता होना चाहिए,
तो अब इसके लिए, इसके मैपिंग के लिए कि ई पेज है जो, मतलब कौन सा डेटा, जैसे कौन सा डेटा है जो किस पेज में है, समझ रहे हो बात को, कौन सा डेटा किस पेज में है, इसके लिए एक मैपिंग करना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, एक और पेज टेबल बनाए, एक और बनाए पेज टेबल। उस पेज टेबल में क्या किए, इसमें कितना पेज है, 0 to 2 power 28 - 1, इसमें भी 0, 1 से लेकर 2 power 28 - 1 इतना नंबर ऑफ एंट्री इसमें कर दिए। क्यों, क्योंकि इतना ही पेज है पेज टेबल में, इसलिए 2 power 28 - 1 नंबर ऑफ एंट्री हो गया। ये एंट्री का साइज कितना होगा, ये साइज कितना होगा, जितना नंबर ऑफ बिट्स फ्रेम के लिए चाहिए था। क्यों, क्योंकि ये फ्रेम ही तो है, ये भी तो स्टोर कहीं पीएस में है, फ्रेम में है, तो इसके लिए नंबर ऑफ बिट्स चाहिए जो कितना रहेगा, नंबर ऑफ बिट्स इन फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर के लिए, फ्रेम नंबर को बताने के लिए जितना बिट्स चाहिए होगा वही, क्योंकि ये भी तो स्टोर्ड है किसी फ्रेम में, पर्टिकुलर फ्रेम में, तो कौन से फ्रेम में कौन सा पेज स्टोर्ड है देखना होगा। इस पेज का बेस एड्रेस, सब पेज का, ये जो पेज है जीरोथ पेज है, इसका एक बेस एड्रेस है, फर्स्ट पेज है इसका एक बेस एड्रेस है, सेकेंड पेज है इसका एक बेस एड्रेस है, सब पेज का बेस एड्रेस है जो यहाँ पर स्टोर्ड होगा। इसको लिखो दूसरे मार्कर से, बेस एड्रेस। ये ओवरव्यू बता रहे हैं, एक बार और पेजिंग बताएंगे ये क्या है, पेजिंग पहले बता रहे थे, अब क्या कुछ दिक्कत आए तो एक बार और हम लोग बना रहे हैं पेज टेबल, ठीक, इसको अच्छे से बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे इसको, एकदम आराम से समझना है, क्योंकि समझ जाओगे बहुत सारा क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो तुम, अ क्वेश्चन आता है इसका, इसलिए इतना अच्छे से बता रहे हैं। तो बेस एड्रेस को, ये सब का पेज का बेस एड्रेस को हम लोग यहाँ एक और पेज टेबल में स्टोर किए, इसको बोल दिए, यहाँ जो नया पेज टेबल बना इसको बोल दिए पेज टेबल वन, और इसको बोल दिए पेज टेबल टू। मतलब कि अब पेजिंग नहीं रहा एक और, जैसे ही जब पेज टेबल को हम डिवाइड कर दिए अलग अलग पेजेज में और एक और पेज टेबल बना लिए, तो अब ये पेजिंग नहीं रहा, मल्टी लेवल पेजिंग हो गया, समझ रहे हो बात। एक पेज टेबल जब तक था तब तक वो पेजिंग था, एक और पेज टेबल बन गया, मतलब कि पेज टेबल में फिर से पेज में डिवीजन अगर हुआ है, एक और पेज टेबल अगर क्रिएट किए, दूसरा पेज टेबल बन गया, दो या दो से ज्यादा पेज, अब इसके बाद फिर से पेज बना सकते हैं, मान लो ये भी ज्यादा साइज है, फिर से इसको डिवाइड करेंगे, फिर से एक नया पेज टेबल बनाएंगे, वो भी बड़ा है, फिर से उसको डिवाइड करेंगे पेज, फिर नया पेज टेबल बनाएंगे, जैसे यहाँ किए हैं सेम चीज का रिपीटेशन अगर आगे करते जाएंगे हम लोग, सेम चीज का मतलब जितना लेवल तक जा सकते हैं। ये क्या है, टू लेवल पेज टेबल, दो लेवल का है पेज टेबल वन, पेज टेबल टू। एक और लेवल जाएंगे तो सबसे जो पी ए इसके जस्ट बगल में रहेगा वो लास्ट पेज टेबल बोलेगा, जब अगर दो है तो पेज टेबल वन सी पी यू से साइड वाला जो है पेज टेबल वन, पेज टेबल टू, अगर तीन रहेगा पेज टेबल वन टू थ्री, समझ रहे हो बात को। तो इसको हम लोग बोलेंगे, दूसरे कलर से लिखते हैं, जो दो बार क्रिएट किए हम लोग पेज टेबल, इसको बोलेंगे मल्टी लेवल पेजिंग, समझ रहे हो, यही मल्टी लेवल पेजिंग है। जो अभी हम किए, एक पेज टेबल का साइज ज्यादा था इसलिए फिर से इसको हम लोग पेज में डिवाइड किए और एक नया पेज टेबल बनाने का जरूरत पड़ा। क्यों, क्योंकि जो पेज में डिवाइड किए हैं पेज टेबल को, वो सब पेज का बेस एड्रेस को हमें स्टोर कर रहे हैं, मतलब जीरो तो जो है जितना नंबर ऑफ पेज यहाँ पर पेज टेबल में होगा उतना ही नंबर ऑफ एंट्री है नए वाले पेज टेबल में मेरा, और सब पेज का बेस एड्रेस है जो बेस एड्रेस यहाँ पर सब में
स्टोर्ड है सब पार्टिकुलर पेज का, रेस्पेक्टिव पेजेज का। जैसे जीरो है तो जीरोथ पेज का बेस एड्रेस क्या है, वन है तो फर्स्ट पेज का बेस एड्रेस क्या है, वो यहाँ पर स्टोर है। क्यों? बाद में इसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, क्योंकि पर्पस है ये डेटा को एक्सेस करना। रफ डायग्राम समझ गए हो ना, इसलिए एक बार ओवरव्यू बताया ना, एक बार हल्का सा आइडिया आ गया, फिर अच्छे से बताएंगे, बहुत आराम से समझ में आ गया इस मतलब। ये है मल्टी लेवल पेजिंग। इसको अब हम लोग अच्छे से एक बार डायग्राम बनाकर ढंग से प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, इस बार मल्टी लेवल पेजिंग फाइनल होगा, पहले ओवरऑल इसलिए एक रफ आइडिया दिए, जिससे क्या है समझना आसान होगा। ऐसे जनरली क्या सबको लगता है कि मल्टी लेवल पेजिंग का मतलब क्या है, कि एक बार LAS में पेज बनाए थे, अब फिर से उसी पेज को डिवाइड कर रहे हैं? नहीं, उस पेज को नहीं डिवाइड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पेजिंग में पेज टेबल बनाए थे उस पेज को नहीं स्टोर करना चाहते थे हम लोग, इसलिए फिर से एक बार हम लोग पेजिंग किए, मतलब पेज टेबल को पेजेज में डिवाइड किए और एक नया पेज टेबल क्रिएट किए। इसके बाद एक बार देखो इसको, थोड़ा देर में फिर से बताते हैं आगे का फाइनली।